बहुत बार होता है कि हमें हरी सब्जियां खाने का दिल नहीं करता है ना, तो जब भी ऐसा हो और आप कुछ ग्रेवी सा चटपटेदार सोच रहे हैं तो बनाइए ये आलू बेसन की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जिसे आप चाहें तो राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही चपाती के साथ भी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल और साथ ही ऐड करेंगे 2 बी लीफ, तेज पत्ता और साथ ही जीरा, 2 काली मिर्च और 1 सिनेमन का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को भूनेंगे और भूनने के बाद साथ ही चॉप की हुई अनियन। जब अनियन हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपने भूनना है, मसाला हमारा पक जाना चाहिए। जैसे ही ये मसाला पक जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये सारा कुक करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। और इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे अब टमाटर। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर। अब इसको अच्छे से गलाने के लिए ऐड किया है 1/2 चम्मच नमक और 2 मिनट के लिए लगाई है लिड। अब लिड लगा देंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से स्टीम करके सॉफ्ट हो जाएंगे जिससे कि हमारा समय बचेगा। इनको अच्छे से आप ऐसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मसालों को ऐसे पका लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से मसाले पक जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सब्जी है। जब भी हरी सब्जियां घर पर ख़त्म हो जाए तो ये सब्जी बनाए, क्योंकि मैं भी हमेशा ये बनाती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया है, उसके बाद एक मिक्सिंग बोल लिया, उसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड किए हैं, साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसी स्टेज पर हम इन सभी मसालों को ऐड करेंगे। दही खट्टी भी हो तो कोई बात नहीं, चलेगी, उससे कुछ भी नहीं होगा, फ्लेवर अच्छा ही आएगा। तो इसी स्टेज पर ये सारे दही के साथ मिक्स किए हुए मसाले हम ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि हमारा मसाला तेल ना रिलीज करने लग जाए, है ना। ये देखिए तेल रिलीज होने शुरू हो चुका है, तो ये इंडिकेशन है हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के मैश किए हुए आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, ये कच्चे नहीं है। इनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया ऐसे हाथों के द्वारा और इनको मिक्स कर दिया। अब हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे मसालों में ही इनको अच्छे से भूनना है ताकि जो सारे मसाले के फ्लेवर हैं इनमें ऑब्जर्व हो जाएं। ठीक है जी, अब इसको लगाएंगे हम यहाँ पर लिड 1 मिनट के लिए और उसके बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। तो मैंने ऐड किया है 2 कप भर के पानी। ये सब्जी मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए, राइस के साथ खाना है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखी है। आप चाहें तो हल्की सी ड्राई भी कर सकते हैं, ग्रेवीदार बनाएंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक अच्छे से मिलाएंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर लिड लगाकर पकाएंगे। ये देखिए पूरे 6 मिनट बाद बहुत ही अच्छे से ये ग्रेवी एकदम मिक्स हो चुकी है आलू के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये एक मिक्सिंग बोल, उसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच बेसन, उसमें अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर और साथ ही 1/2 चम्मच लाल मिर्च और चुटकी भर नमक। अब इन सभी को मिक्स करते हुए अच्छे अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे एक एक चम्मच बीच में ऐसे डालते रहेंगे। ठीक है, इसके पेस्ट को हमें ऐसे ऐसे डालना है, डोंट वरी, ये बेसन हमारा बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। सारा पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे ढक कर लिड लगा कर 5 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा, ये मैं गर्म मसाला डालना भूल गई थी, तो उसके बाद मैंने फिर से खोल कर इसमें गर्म मसाला ऐड किया है। अब हम इसे पूरे 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें, हमें ग्रेवी को कुक करना है अच्छे से और बेसन भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो ये पूरे 6 मिनट बाद मैंने 6 से 7 मिनट बाद लिड खोल के देखा और ये मेरी सब्जी बहुत ही टेस्टी और लजीज सी बनकर तैयार हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। इस स्टेज पर मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी, जो कि हमारी सब्जी को बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनाएगी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाएगी। तो इसी स्टेज पर गैस को कर दीजिए बंद और ये सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आप चाहें इसे गर्मा गर्म राइस, स्टीम राइस के साथ इंजॉय करें या फिर चपाती के साथ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग है। तो जब भी घर में सब्जियां खत्म हो जाए तो आप ये सब्जी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं।